चौराहों पर लगातार भीड़ निकल रही है, जो अलर्ट है क्रिएट हो रहा है और आप सब रिकॉर्ड में है, तो आप उनको भेजें। किया था कि जो हमारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर हम कम से कम मानवीय इंटरवेंशन चाहेंगे, चाहे वो हॉटस्पॉट हो, चाहे हमारा आइसोलेशन सेंटर्स हो, इन एरिया को सैनिटाइज करने के लिए प्रायोरिटी दें। और बाकी एरियाज जो बड़े एरिया हैं, दूर दराज के एरियाज हैं, वहाँ पर एक मानवीय रूप से कर पाना बहुत टफ होता है, ज्यादा टाइम लगता है सैनिटाइज करने में। उन क्षेत्रों में हम लोग ड्रोन के माध्यम से, क्योंकि बड़ा एरिया कवर कर सकता है, फास्ट कवर कर सकता है, और कई वो एरिया भी कवर कर सकता है, चाहे दीवारें हो, चाहे वो छतें हो, जो अदरवाइज हम लोग नहीं कवर कर पा रहे थे। तो ये करार हम लोगों ने गरुड़ एरोस्पेस चेन्नई में किया था। इसको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम थी वहां की, क्योंकि चेन्नई से सारा ये इसका इंस्ट्रूमेंट्स है वो आने थे, ड्रोन आनी थी और जो सोल्यूशन डलेगा बैटरी से लेंगे। तो इसके लिए कमिश्नर साहब श्री अग्रवाल जी ने अपनी तरफ से पहल करी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से स्पेशल इसके लिए परमिशन लेकर हम लोगों ने इसे यहाँ पर मंगाया है। इसकी रायपुर से भी आई है, जो इसके एसेसरीज लेकर आई है। ये हाईली टेक्निकल और इसमें हम इसके GPS कोऑर्डिनेट्स भी जो है वो रियल टाइम मॉनिटर करेंगे और कमांड कंट्रोल सेंटर से कहाँ लोकेशन है, कितना कवर कर रहा है, ये भी हम ट्रैक कर पाएंगे। तो ये अपने आप में एक मैकेनिकल बढ़ाने का इन्फ्लुएंस और जो अपना मानवीय इंटरवेंशन है, ह्यूमन इंटरवेंशन, इसको कम करने का एक पहल है कि हम कम से कम एरिया अपना जो सफाई कर्मी है, सफाई मित्र है, उसको भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा हम ड्रोन से कवर करें, सो दैट एटलीस्ट वो अराउंड 5 डेज 6 डेज 7 डेज जो एरिया पर सैनिटाइज हो जाएगा पूरी तरह से, हम उसको एक सैनिटाइज जोन डिक्लेयर कर पाएंगे। कितने दिन सैनिटाइज हो जाएगा सर? ये हमारी करीब 1.5 हफ्ते की, करीब 10 दिन की ये हम लोगों ने प्लान बनाया है, जिसमें ये प्रतिदिन हमारी जो मानवीय रूप से हम कर रहे हैं करीब 108 हमारी जो टीम्स के माध्यम से और 14 QRT के माध्यम से, तो दोनों को मिलाकर हम लोग करीब अगले 7 से 8 दिन में 2 बार पूरे शहर को सैनिटाइज करते हैं। कितना खर्च आ रहा है सर इसमें? करीब प्रति एकड़ हम लोगों का 750 से 800 रुपये का खर्च है। इसमें जो मशीन का जो चार्जेस है वो कंपनी ने हम लोगों से चार्ज नहीं किए हैं, और एक तरह से एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है, PPP मॉडल पे है। तो हम लोग इसमें सॉल्यूशन का, बैटरीज का और मैन पावर का जो बेसिक खर्चा है एवरीडे का, वही हम लोग वहन कर रहे हैं। तो उस तरह से हम लोगों के लिए बहुत सस्ता है और लो कॉस्ट पे एक अच्छा हम लोगों को सॉल्यूशन मिला। सर क्या टाइमिंग होगी दोनों समय में? देखिए, एक बार में ये करीब 50 मिनट की सॉर्टी कर सकती है, इनके 3 सेट ऑफ बैटरीज हैं, तो उसके बाद इनको आधे घंटे चार्ज करना होता है। तो हम इसको पूरे डे टाइम में पूरे दिन यूज करेंगे और अलग अलग एरिया में, जैसे मदनपुरा है, नक्की घाट है, बजडीहा है, तो ये हॉटस्पॉट्स, और इसके अलावा हमारे सारनाथ क्षेत्र में जो बड़े एरिया हैं उनको हम इससे कवर करेंगे। तो हम इसको प्रतिदिन यूज करेंगे करीब सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे 6:30 बजे।